पुलिस द्वारा दबंगों के साथ मिलकर परिवार के लोगों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। यह घटना सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के चूक चौकी स्थित ओराली गांव की है, जिसमें पुलिस के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय दबंग के सह पर पुलिस उनको बार बार परेशान करती है और चौकी बुलाती है। इसके साथ ही पुलिस ने बुलाकर उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि उनका कहना है कि वो जमीन उनकी पुश्तैनी है और वर्षों से वह जमीन पर काबिज है, लेकिन हाल ही में गांव के दबंग द्वारा पुलिस की मदद से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने बताया कि जानकारी मिली है और सीओ सिटी के द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जिसमें मारपीट करने की बात सामने आ रही है। मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? लालती। अच्छा, ये आप ही की जमीन है? हाँ जी सर। क्या बात है इसमें? ये बात है साहब, 150 साल से मतलब हमारे बाबू घर कैले रहना करत रहना, बाबू मर गए ना तो फिर हम करे लगली। इतना दिन में ना ही कहना जी हमार है जमीन कब्जा, आज कहता हमार खतौनी है, हमार इतना दिन का जोत कोढ़ है, आज पुलिस बलाई बलाई के हमन के चौकी पर ले जाता है, मारपीट कर के हमन के डरवाए रहा माए। तो के मरले बा? वह हमारे पति के मरले हाँ, रमेश के। अच्छा, के मरले है? देवराज राम नन्हे सीताराम। कहाँ कहाँ है लोग? ये पुलिस चौकी पर रहना सिपाही है वहाँ। कौन है चौकी का? ये चुरुक का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ घर है? यहीं पर है, कुलवे पर। अच्छा, क्या बात है? जमीन के बारे में हमको मरवा रहे हैं। कौन? रामचंद्र केदार। मारा कौन है आपको? चौकी यहाँ पर सीताराम सिपाही। चुरू चौकी बोला? चुरुक चौकी। हाँ। देवराज चुरुक चौकी। हाँ। सिपाही। ये लोग मारे हैं? हाँ। आपस में कहा से और मार्केट होने की बात भी प्रकाश में आई थी, और ये जानने में आया है कि उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। प्रकरण की जांच सीओ सिटी साहब करेंगे, अगर किसी कोई लापरवाही या दोष पाया जाता है तो उचित कार्रवाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।